नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कलयुगी बाप ने रिश्तों को किया कलंकित, माँ बेटी ने न्याय की गुहार लगाते हुए सदर कोतवाली क्षेत्र में दी तहरीर। क्या है ये पूरा मामला, आइए डालते एक नजर इस पूरे मामले की जानकारी पर पूर्ण रूप से विस्तार में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ये ताजा मामला ललितपुर जनपद सदर कोतवाली का है, जहां एक किशोरी ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर अपने पिता, अपने ताऊ, चाचा और चाची सहित नगर के सफेद पोश नेताओं एवं व्यापारियों सहित 28 लोगों पर मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि किशोरी ने 25 लोगों के नाम लिखकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और 3 अज्ञात भी बताए गए हैं। साथ में उसने ये भी बताया कि कई वर्षों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इसकी शुरुआत उसके पिता ने ही अपनी बेटी के साथ की थी। इसके बाद अपनी बेटी को वह पैसों का लालच में सफेद पोश नेताओं एवं व्यापारियों को परोसने लगा। उस किशोरी के साथ उसके ही पिता ने षड्यंत्र के तहत मोबाइल से अश्लील फिल्में दिखा एवं जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। किशोरी ने अपनी तहरीर में यह भी लिखा है कि उसकी चाची और उसके ताऊ और चाचा सभी इस तरह षड्यंत्र में शामिल हैं। उसने अपने ताऊ एवं चाचा को भी दुष्कर्म करने का दोषी बताया। इसके बाद इतना ही नहीं, सफेद पोश नेताओं को भी किशोरी को परोसे जाने लगा था। आज किशोरी के द्वारा पुलिस में तहरीर दी गई, जिसमें 25 ज्ञात एवं 3 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उसका मेडिकल कराया जा रहा है एवं सुरक्षा के लिहाज से उसके घर के पास पुलिस लगा दी गई। साथ ही जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 12 तारीख को एक महिला थाना कोतवाली पर उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ लड़की के पिता ने, यानी कि उस महिला के पति ने बलात्कार किया है। पिछले कई सालों से वो कर रहा था। इस तरह की चीज़ उन्होंने बताई थाने पर आकर के। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कई लोग की नामजदगी है। लड़की के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें उसने बताया है कि कई लोग पिछले कई सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की का फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद इसमें बाकी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। इनको भी जा करके मेरे द्वारा खुद पर्सनली उनसे मुलाकात की गई, उनको समझाया गया, उनको नोटिस बनाया गया, उनको बताया गया कि डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस हमेशा इनके साथ। सर, कितने लोगों को सरस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? करीब 25 लोगों का नामजद है इसमें, 25 लोगों का नाम के साथ है और 3 अज्ञात इसमें पता नहीं करता। जो है ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था। जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम लिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए और उसकी सुरक्षा के दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया है। मैं अपनी पूरी होश और आवास में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी, तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से खाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना, तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे एक बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा
मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी दे दे रहा है, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था, जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था। मैं कुछ नहीं बोल पाती थी जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता वो कहते कि ये करना है तो करना है। और उन आदमियों का नाम महेंद्र दुबे, तिलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांत सिंगई, नरेंद्र रावत। देखिए ये निहायत षडयंत्र के तहत जिस बच्ची से जो मुकदमा लिखाया गया है, मैं ना उस बच्ची को जानता हूँ, ना उसकी माँ को जानता हूँ, ना मेरा कोई किसी तरह का उससे संबंध है। और ये मुकदमा हमारा और पार्टी की छवि खराब करने के लिए, हमारे परिवार को के खिलाफ बहुत गहरा षडयंत्र किया गया, जिसमें मेरे चार भाइयों के नाम भी लिखा दिए गए, जिसमें हमारी समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष राजेश जैन के जोजिया का नाम भी लिखा दिया गया, एक पार्षद महेंद्र सिंगई का भी नाम लिखवाया गया। तो ये इसके अलावा BSP के जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ भी मुकदमा लगाया गया। तो ये इसके अलावा उस बच्ची ने अपने पिता तक और पिता के साथ अपने चाचा ताऊ सभी के खिलाफ मुकदमा लगाया। तो उस मुकदमे को FIR को देख के ही ये लग रहा है कि ये झूठा है। और मैं तो जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराएँ, और अगर कहीं से भी जो दोषी अगर कोई है तो उसको दंडित किया जाए और निर्दोषों को इस मामले से हटाया जाए। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये षडयंत्र जिन लोगों ने भी किया है, हम उस पर हमें उन पर तरस आ रहा है, उनकी मानसिकता पर तरस आ रहा है। और मैंने ये साफ कह दिया है कि इस तरह मेरी छवि को और मेरे परिवार को बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगा, और उसकी सारी जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन से लेकर उन लोगों की होगी जिन लोगों ने ये षडयंत्र मेरे खिलाफ किया। आज हमने अपने जीवन में बड़े संघर्ष झेले, इस संघर्ष को भी झेलेंगे। मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं बिल्कुल एक इस मामले से कहीं से दूर दूर तक मेरा लेना देना नहीं। उस महिला का अपने पति से विवाद है, पति और पत्नी के विवाद को इस तरह बढ़ा करके, इस तरह लोगों के बहकावे में आकर के इस तरह जो काम किया गया है, इसको हमें लगता है कि उसको कोई भी ना तो सत्य मानेगा और परमात्मा भाई भी उस ऐसे झूठे आरोप लगवाने वालों को, षडयंत्र करने वालों को माफ़ नहीं करेगा। क्या लगता है कौन लोग हैं जो आपके अब ये तो आगे चल के पता लग जाएगा। हमारा निवेदन है, हम कल 10 बजे DM और SP को बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।